मुझे ऐसा लगता है ऐसे बौद्धिक दिवालियेपन के शिकार लोगों को किसी गठबंधन के महत्वपूर्ण दल की अगुवाई का अवसर कैसे मिलता है? कोई गठबंधन की सेहत की जड़ों में बार बार मट्ठा डाले। मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी ये समझना होगा कि जनता की अपेक्षा है ये सरकार नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा करे। लेकिन लगातार जिस तरह के बयान संजय जायसवाल जी के आ रहे हैं वो हैरत अंगेज है। जिस सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी से मांगा गया या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार से कहा गया है उसका इस तरीके का फूहड़ उत्तर इसकी अपेक्षा बिहार की जनता नहीं करती है। जनता दल यूनाइटेड का मानना है देश में सेना की एक जो छवि है जितने बड़े युद्ध उन्होंने जीते हैं कई महत्वपूर्ण जीतें उन्होंने हासिल की हैं उस भारतीय सेना के परंपरागत ढांचे में अगर कोई बड़ा बदलाव करना है तो पूरी पारदर्शिता के साथ देश को ये बताना होगा कि क्या क्या कैसे किया जाना चाहिए। और ये एक ऐसी मांग है जिसे अनेक संगठन कर रहे हैं लेकिन बदले में उन्होंने जो बयान दिया है ये हास्यास्पद भी है शर्मनाक भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। महाराष्ट्र क्राइसिस में विधायकों को गुवाहाटी से संवाद नहीं करना चाहिए, वे वापस पटना मुंबई वापस आएं और सीएम से इस पर चर्चा करें। हम सभी विधायकों की इच्छा होने पर एमबीए से बाहर निकलने पर विचार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें यहाँ आना होगा और सीएम से इस पर चर्चा करना है। शिवसेना ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है महागाड़ी। देखिए ये बिल्कुल साफ है कि उद्धव ठाकरे जी को अब विधानसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है। जितनी बड़ी संख्या में उनके दल के विधायकों ने उनका साथ लगभग छोड़ दिया है। नैतिकता का तकाजा है कि उन्हें अपने पद से परित्याग करना चाहिए। भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए हम शिवसेना के साथ हैं। ईडी की वजह से हो रहा है ये खेल। कांग्रेस फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है। हम एमबीए के साथ हैं और रहेंगे। अगर शिवसेना किसी के साथ गठबंधन करना चाहती है तो हमें कोई समस्या नहीं है। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले ने बात कही। देखिए इस बयान के राजनीतिक निहितार्थ समझने की ज़रूरत है। किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस एनसीपी और जो भी विधायक उद्धव ठाकरे जी के साथ हैं वो पूरी तरह से संकल्पित दिख रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि प्रभावी बहुमत अगर विधानसभा के फ्लोर पर नहीं होगा तो फिर इस सरकार के पतन को लेकर के लोगों को ये मानना होगा कि अवश्यंभावी है। अगर कुछ लोग बाहर जाना चाहते हैं तो वो किसी तरह ऐसा करने का कारण खोज लेंगे। यहाँ तक कि एक पार्टी द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में भी आंतरिक कलह हो सकती है। यहाँ 3 अलग अलग पार्टियाँ हैं, मतभेद हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार को अस्थिर कर देना चाहिए। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने बात कही। ये सच है कि गठबंधन सरकारों को चला पाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है लेकिन सफलतापूर्वक इन चुनौतियों को असर में बदलना गठबंधन के नेता के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। और कहीं ना कहीं इसमें शिवसेना नेतृत्व से चूक हुई है जो प्रथम दृष्टया परिलक्षित हो रहा है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जो हैं शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। हम लोगों की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जनता दल यूनाइटेड ने उन्हें अपना समर्थन दिया है और जिस तरीके के संकेत हैं विपक्ष मुकाबले में कहीं दिख नहीं रहा है।